कि आदिवासी पिछड़े दलित जिनकी आवाज पूरे देश में बनते आए, चोंगा लेके राहुल गांधी के अलावा इनके बारे कोई बात करने वाला नहीं है। आदिवासी के अधिकार के लिए, दलित के अधिकार के लिए, अल्पसंख्यक के अधिकार के लिए, क्रिश्चियन के लिए, मुसलमान के लिए, जैन के लिए कौन बात कर रहा है? राहुल गांधी बात कर रहे हैं। आप लोगों पर आरोप लगता है कि आप लोग मजबूती से उतरते हैं हथियार के साथ, फिर बैकफायर करते हैं। आज ईडी की कार्रवाई हुई, जहां से रकम मिली उनका, ईडी की कार्रवाई एक प्रशासनिक अधिकारी पे हुई, उनके चपरासी के चपरासी पे हुई। तो आप ये कांग्रेस के सदस्य को सवाल पूछ रहे हैं, आप जाकर उनसे पूछिए ना। और मुझे लगता है कि कहीं से आप बैकफायर होकर आए, तो इस तरह का सवाल लगातार नकारात्मक सवाल आप पूछने का प्रयास करें। गोदी मीडिया को बचना चाहिए, अपने आप को एक्सपोज मत होने दीजिए, आप लोग भी बचा के रखें। मैं आपको, आप बहुत प्रतिष्ठित चैनल से हैं, इस पर लोग विश्वास करते हैं, लेकिन लगातार किसी मंशा के साथ सवाल पूछेगा तो सामने आ जाता है। मेरी कोई मंशा नहीं, मैंने वही बोला कि जब इस तरह की कार्रवाई होगी तो भारतीय जनता पार्टी या विपक्ष जरूर बुनाएगा। अधिकारी के चपरासी के चपरासी के चपरासी अगर मेरे पड़ा है, अब भैया इसमें हम क्या करें? इसमें मंत्री क्या करे, सरकार क्या करे? जो महंगाई उसके बारे पूछिए, बेरोजगारी उसके बारे पूछिए, उसके बाद बहुत कुछ पूछिए। आज आपकी सभा, इसलिए आपसे सवाल हो रहा है। कल राहुल गांधी की सभा, जवाब देने के लिए तैयार हो, पूछिए। एकमात्र ऐसा नेता है जो कि आज में आज मिला के कि रांगा बिल्ला मोदी और अमित शाह के खिलाफ बात कर सकते, क्योंकि इनके दामन में कोई दाग नहीं है। आज तक कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने कभी लक्ष्मण रेखा पार नहीं किया गांधी परिवार ने, जिसका फायदा से राज्यों में आकर मिलता है। पिछली सरकार को बैलेट का जवाब, जिसे बुलेट से मिला था, इस बार दमन का जो जवाब है फिर इनको मिलने वाला है। और हमारे साथ कांग्रेस के युवा नेता कुमार राजा हैं। नामांकन दाखिल हो गया और इसके बाद अब सभा भी हो गई है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि एक नई प्रत्याशी जिनका संगठन में इतना अनुभव नहीं है, एक अनुभवी सांसद के सामने कैसे मुकाबला करें? ऐसे सांसद के सामने चुनाव लड़ लिए जो कि 5 साल गायब रहे, वो सिर्फ सरकारी पैसे से वो दिल्ली रांची करते रहे। आप पूछिए इतने लोग खड़े हैं, कितने लोगों ने उनका चेहरा देखा है? ये अभी तक के इतिहास का सबसे फ्लॉप सांसद है। इनके सामने लड़ने में कोई भी गुरेज नहीं है, कोई भी समस्या नहीं है। और आपकी जो प्रत्याशी है, जो प्रत्याशी है वो महिला है, युवा है, पढ़ी लिखी है, नया जोश और काम करने की, रांची के लिए एक रोडमैप लेकर आपके बीच में आई है, रांची के लोगों के बीच में आई है कि किस तरीके से रांची अभी तो विकास से दूर था, उसको कैसे नया विकास मिले, नया प्रोस्पेक्टिव कैसे उसको मिले, सारी सोच को लेकर आई है। और मैं बताता हूँ, सबसे दुर्भाग्य है रांची की जनता के लिए, सुबोध कांत साह जी ऐसे सांसद थे कि जब वो सांसद थे यहाँ से लेकर दिल्ली तक लोगों का काम हुआ करता था, उसके बाद ऐसा फ्लॉप सांसद रांची को मिला कि रांची की जनता नए सांसद इंतजार कर रही थी। और बस सुबोध कांत साह नहीं, युवा जोश नई सोच के साथ यशस्वी सहाय, और मुझे लगता है कि जिस तरीके से लोगों का झुकाव और रुझान उनकी तरफ आ रहा है, मुझे लगता है कि भारी मतों से विजय बनेगी और रांची की जनता के लिए कुछ बेहतर, कुछ नया काम करके दे। राजा जी, आप युवा जोश की बात कर रहे हैं, आप पढ़े लिखे की बात कर रहे हैं, संगठन में बहुत सारे ऐसे युवा होंगे जो उतने ही एजुकेटेड हैं और संगठन में लंबा वक्त भी बिताया, क्या आपको नहीं लगता है कि एक नई प्रत्याशी लाने के बाद अचानक से, जिनकी इनकी चर्चा भी नहीं थी चुनाव के ठीक पहले, तो वो जो संगठन में नाराजगी का एक भाव आएगा या कार्यकर्ताओं को लगेगा कि हम तो किसी और के लिए मेहनत कर रहे हैं? हम लोग कार्यकर्ता, मैं रांची महानगर कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष हूँ, युवा कांग्रेस के महासचिव है, ये महानगर के महासचिव है, जिला अध्यक्ष हमारे साथ में थे, हमें बिल्कुल नहीं लग रहा है। हम प्रत्याशी से मिलने के बाद ये निश्चित है कि रांची अच्छे आदमी के, एक सोचे सब, एक सुलझे हुए एक व्यक्ति के हाथ में हम लोग सौंपने जा रहे हैं। और आप जब किसी से मिलते हैं, उसकी व्यवहार कुशलता, उसकी राजनीतिक दक्षता को देख के आप विश्वास उस पर जब जम जाता है, तब कहीं कोई समस्या नहीं। सुबोध कांत साह जी ने 40-50 साल अपने जीवन के रांची की जनता पर समर्पित किया है, उनकी बेटी, उनके जीन में, उसके खून में यहाँ पर राजनीति है और जनसेवा है। इस लड़की ने बाहर से इटली से जाकर पढ़ाई की थी और क्रिमिनल लॉ में LLM किया है, उसके बाद भी कैलाश सत्यवर्ती जी, जिनको पीस का नोबेल पुरस्कार मिला है, मलाला यूसुफ के साथ, उसके साथ ये सारी सुख सुविधाओं को छोड़कर काम कर रही थी। तो ऐसे नौजवान के साथ हम काम करने के लिए उत्साहित है। और मुझे लगता है जो भीड़ आप देख रहे, संगठन की भीड़ थी, अब जो भीड़ आप देख रहे हैं और जो जितने कार्यक्रम पूरे देश में रांची लोकसभा में चल रहे, संगठन के लोग कर रहे हैं, और मुझे पूर्ण विश्वास है संगठन के लोग अपने कंधे पे बिठा के जो सुबोध कांत साह को लोकसभा भेजने का काम किए थे, इनको भी हम लोकसभा जरूर। अक्सर आप लोगों पर आरोप लगता है कि आप लोग मजबूती से उतरते हैं हथियार के साथ, फिर बैकफायर करते हैं। आज ईडी की कार्रवाई हुई, जहां से रकम मिली उनका, ईडी की कार्रवाई एक प्रशासनिक अधिकारी पे हुई, उनके चपरासी के चपरासी पे हुई। तो आप ये कांग्रेस के सदस्य को सवाल पूछ रहे हैं, आप जाकर उनसे पूछिए ना। और मुझे लगता है कि कहीं से आप बैकफायर होकर आए, तो इस तरह का सवाल लगातार नकारात्मक सवाल आप पूछने का प्रयास करें। गोदी मीडिया को बचना चाहिए, अपने आप को एक्सपोज मत होने दीजिए, आप लोग भी बचा के रखें। मैं आपको, आप बहुत प्रतिष्ठित चैनल से हैं, इस पर लोग विश्वास करते हैं, लेकिन लगातार किसी मंशा के साथ सवाल पूछेगा तो सामने आ जाता है। मेरी कोई मंशा नहीं, मैंने वही बोला कि जब इस तरह की कार्रवाई होगी तो भारतीय जनता पार्टी या विपक्ष जरूर बुनाएगा। अधिकारी के चपरासी के चपरासी के चपरासी अगर मेरे पड़ा है, अब भैया इसमें हम क्या करें? इसमें मंत्री क्या करे, सरकार क्या करे?
कल जाके मेरे किसी चपरासी के चपरासी के चपरासी के छापा पड़ेगा तो कर्नाटक में जाके से पूछिएगा, उससे संबंधित व्यक्ति से पूछिए, उस विभाग के बड़े अधिकारी से पूछिए, ज्यादा अच्छा जवाब दिया जाएगा। हम कहां से जवाब देंगे उसमें? और भाजपा के लोग क्या जवाब देंगे? वो पहले पूछे 20 करोड़ नौकरी क्या है। 20 करोड़ इसलिए कि हर साल 2 करोड़ नौकरी की बात होती। पूछे 15 लाख कहाँ गए? पूछे जो अरुणाचल प्रदेश के अंदर जो पूरा चीन ने गांव बसा दिया उसके बारे पूछिए, जो महंगाई उसके बारे पूछिए, बेरोजगारी उसके बारे पूछिए, उसके बाद बहुत कुछ पूछिए। आज आपकी सभा इसलिए आपसे सवाल हो रहा है, कल राहुल गांधी की सभा है, जवाब देने के लिए तैयार हो। पूछिए, कल राहुल गांधी की सभा है और अब आप लोगों ने नामांकन भी दाखिल कर दिया, चाईबासा में सभा है, किस तरह से देख रहे हैं फाइट, उनके आने से क्या सकारात्मक? राहुल गांधी जी के जो भी यात्रा झारखंड में भी रहे, अभी लास्ट भारत जोड़ो नया यात्रा को जिक्र लहराए थे, मैं तो अध्यक्ष हूं, मैंने देखा कि जब हमने कार्यक्रम को सामने लाया तो जनता बहुत भारी संख्या में हमारे साथ जुड़ी और आप लोगों ने चलाते कि ऐतिहासिक कार्यक्रम हुआ, 10 साल के बाद भीड़ देखने मिला। जब भारत जोड़ो यात्रा के पैरेलल हमने साथ में कार्यक्रम चलाते उसके समर्थन में, भारत जोड़ो यात्रा का 1 साल जब पूरा हुआ हमने कार्यक्रम किया, आपने अच्छा चलाया। शहीद मैदान में जब कार्यक्रम की शुरुआत किया था नया यात्रा का, तो आप ही लोग गवाह सब चीजों की, राहुल गांधी को लेकर यहाँ के आदिवासी पिछड़े दलित जिनकी आवाज पूरे देश में बनते आए, चोंगा लेके राहुल गांधी के अलावा इनके बारे कोई बात करने वाला नहीं है। आदिवासी के अधिकार के लिए, दलित के अधिकार के लिए, अल्पसंख्यक के अधिकार के लिए, क्रिश्चियन के लिए, मुसलमान के लिए, जैन के लिए कौन बात कर रहा है? राहुल गांधी बात कर रहे हैं। एकमात्र ऐसा नेता है जो कि आज में आज मिला के तिरंगा बिला मोदी और अमित शाह के खिलाफ बात कर सकते, क्योंकि इनके दामन में कोई दाग नहीं है। आज तक कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने कभी लक्ष्मण रेखा पार नहीं किया गांधी परिवार ने, जिसका फायदा से राज्य में आकर मिलता है। मैं फिर आपको पीछे ले जा रहा हूँ, आप याद कीजिए कि किस तरीके से राहुल गांधी आदिवासियों के अधिकार के लिए लड़ते आए, किसानों के लिए लड़ते आए, और झारखंड राज्य ग्रामीण परिवेश में ज्यादा है। पिछली सरकार को आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा जो नाराज थे वो यहाँ के आदिवासी दलित किसान थे। 5 महीने में 3 गोलीकांड हुआ था, सायको में, बड़का गांव में और आपका यहाँ रामगढ़ में, किसलिए हुआ था? वहां पर दलित किसान आदिवासियों की जमीन को छीड़कर बड़ी कंपनियों को देने का बात हो रहा था, गोली किसने खाया? यहाँ के मूलवासी आदिवासी के बच्चे के सीने में गोली लगी, इससे परेशान हो 18 साल कुशासन से एक आदिवासी के बच्चों को मुख्यमंत्री बनाया। आप देखिए जिस दिन से सरकार बनी उस दिन से लग गई, कभी ऑपरेशन लोटस लाए, कभी विधायक खरीदने का प्रयास किया, कभी ईडी भेजे, कभी सीबीआई भेजे, और अंततः साजिश के तहत हेमंत सोरेन को जेल में भेज दिया। और देखिए आज समर्थन जब हेमंत सोरेन के नाम पे यहाँ रैलियां हो रही है, आपने देखा महागठबंधन की रैली, इंडिया गठबंधन की रैली, प्रभात तारा मैदान में ऐतिहासिक रैली, ठीक नहीं? आप बताइए अपने चैनल के माध्यम से, मुझे लगता है मैंने राजनीतिक जीवन में झारखंड में इतना बड़ा कार्यक्रम नहीं देखा था। आज जिस तरह जनता अपने आप को जुड़ाव महसूस कर रही है कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन से, हेमंत सोरेन से, उनके दुखों को तकलीफों को जो समझ रही है, मुझे लगता है कि इस पिछली सरकार को बैलेट का जवाब जिसे बुलेट से मिला था, इस बार दमन का जो जवाब है फिर इनको मिलने वाला है। और पूरे पूरे देश में जो लहर बनी हुई है मोदी जी के खिलाफ और इनके नीतियों के खिलाफ, इसका फायदा झारखंड में आपको ज्यादा दिखेगा। चलिए सर। बायोम मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, इंडिविजुअल डाउट काउंटर्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच, स्टडी पैकेज एंड क्लास नोट्स इन PDF। झारखंड के इतिहास में पहली बार नीट UG में 700 मार्क्स पार, 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स और 11th पास स्टूडेंट के लिए फ्रेशर कोर्स, 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 18 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉन्टैक्ट बायोम followup.in Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in